नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने की जमकर तोड़फोड़, नकली बीज देने का लगाया आरोप। रॉ टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। लातूर जिले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने कृषि निदेशक कार्यालय में मंगलवार को जमकर तोड़फोड़ की थी। बुधवार को इस घटना का वीडियो सामने आया है। इसमें मनसे कार्यकर्ता कार्यालय में कुर्सी फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने तोड़फोड़ वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस तो दर्ज किया है, लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस तोड़फोड़ में महाराष्ट्र नवनिर्माण किसान सेना के प्रदेश के अध्यक्ष संतोष नागर गोजे के साथ उनके कार्यकर्ता शामिल थे। संतोष का आरोप है कि सरकार किसानों का ध्यान नहीं रख रही है। किसान लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने फसल के लिए जो बीज बाजार में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ऐसे बीज जमीन से उगती ही नहीं। इसकी वजह से किसानों का पैसा और मेहनत दोनों बर्बाद हो रही है। इसलिए किसानों को मुआवजा दिया जाए और ऐसे खराब बीज पैदा करने वाली कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। वीडियो में देखा जा रहा है किस तरह से कुर्सी फेंक कर शीशे को तोड़ा जा रहा है और काफी नुकसान किया जा रहा है। देखिए ये वीडियो।